हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP थीम्स चैनल में। इस चैनल में हम डिफरेंट वर्डप्रेस थीम का इंस्टॉलेशन, उसके डेमो इंपोर्ट, उसके ट्रबल शूटिंग और उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डब्लू ऑफिस वर्डप्रेस थीम। और ये थीम, इसको कहना ठीक नहीं होगा, इनफैक्ट ये CRM है, एक सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। ये इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाने वाला एक फीचर थीम है, या आप इसको CRM कहिए। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आजकल ये ट्रेंड है कि इंटरनेट इंटरनल कम्युनिटी फोरम वगैरह बनाई जाती है, और एक सर्टेन बहुत सारे लोकेशंस में अगर कंपनी या फर्म या स्कूल या कॉलेजेज या कम्युनिटी काम कर रही हो तो एक इंटरनल ग्रुप बनाया जाता है, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर या थीम बिल्कुल सुटेबल है, उपयोगी है और बहुत ही यूनिक थीम है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इतने सारे लोगों को ये सर्व कर रहा है, और ये काफ़ी इंटरेक्टिव और टू द पॉइंट थीम है। तो मैं इसका आपको डेमो भी दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली ये थीम वो डब्ल्यू ऑफिस इंटरनेट एक्सटरनेट वर्डप्रेस थीम इसका नाम है, और अल्का वेब ने बनाया था इसको 2015 में ये रिलीज हुआ था, और ये रेगुलर अपडेट्स भी आ रहे हैं। तो ये जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट और एक्सटरनेट डब्ल्यू ऑफिस की सहायता से एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया जा सकता है इस थीम का उपयोग करके। और इसका डेमो तो सीधा एक पैनल ही है, तो मैं पैनल आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल है होम, कम्युनिटी, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स, विकी, ब्लॉग वगैरह का। तो इसमें काफ़ी एडवांस फीचर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कम्युनिटी में अगर लेट्स से मेंबर्स में जाते हैं, मेंबर ग्रिड में जाते हैं, तो ये उनके मेंबर्स की प्रोफाइल वगैरह। और अगर मेन डेमो देखते हैं तो उसमें अलग अलग फीचर्स हैं। तो दो तरह के डेमो हैं इनफैक्ट इसमें, दो तरह के वेबसाइट आप बना सकते हो इससे। एक तो है ऑल इन वन डेमो और एक इंटरनेट डेमो। इंटरनेट, अगर इंटरनेट बनाना है इंटरनेट, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और बहुत सारे इंटरनेट एक्सटरनेट वगैरह भी बनाना है, साथ में सारे फीचर यूज करना है, तो इस पोर्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए इसको इंस्टॉल करके हम देखते हैं इंटरनल फीचर एक्चुअल हमारी वेबसाइट पे कैसा आता है और किस तरह से लाया जा सकता है। मेरे पास है वर्डप्रेस का फ्रेश इंस्टॉलेशन, जिसमें कि अभी 2020 वर्डप्रेस थीम डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल्ड है, और मेरे पास है थीम पैकेज। थीम पैकेज में मुझे मिला है डेमो, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, चेंजलॉग, प्लगइन्स, डब्ल्यू ऑफिस थीम पैक। प्लगइन्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला है। प्लगइन्स में अपने को मिला है JS कंपोजर, रेप स्लाइडर और कुछ दो और एडिशनल प्लगइन। तो इसका इंस्टॉलेशन हम शुरू कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस के अपीयरेंस और थीम्स से अपलोड करना है तो अपीयरेंस थीम में जाएं, ऐड न्यू, अपलोड थीम, ब्राउज, डब्ल्यू ऑफिस का थीम पैकेज जो डब्ल्यू ऑफिस 3.0 जिप वाली फोल्डर है उसको अपलोड करेंगे, या अगर मैं समय बचाने की बात करूं तो सीधा मैं सर्वर पे अपलोड करूं। तो WP कंटेंट के थीम्स फोल्डर में ये अपलोड होगा, और WP में जाएंगे हम, ये फोल्डर है .zip, इसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत छोटी सी फाइल है,
विद इन ए मिनट ये अपलोड हो जाएगी। और ये थीम पैक आप देख सकते हैं काफ़ी लाइट है। तो ये लोड हो गया है और हम इसे अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डब्ल्यू ऑफिस फोल्डर आ चुका है, तो अब जिप वाले को डिलीट कर दें, अब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम वर्डप्रेस के पैनल पे आके थीम्स में जाते हैं और यहाँ डब्ल्यू ऑफिस आ चुका है। थीम का डिटेल देख लेते हैं। डब्ल्यू ऑफिस वर्जन 3.0.0 डब्ल्यू ऑफिस इंटरनेट एक्सटरनेट मल्टीपर्पज़ वर्डप्रेस थीम, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। और एक्टिवेट के साथ ही हमें रिक्वायर्ड सेटअप प्लगइन्स का अलर्ट आता है, तो हमें अब रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पर क्लिक करें और जो भी रिक्वायर्ड है उसे तो करना ही है। अनअसाइन फ्रेमवर्क पर बना है तो ये काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क माना जाता है। फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लिया मैंने। डब्ल्यू ऑफिस कोर, मैं हमेशा बोलता हूँ कोर सबसे पहले इनफैक्ट इंस्टॉल करना चाहिए। तो कोर हमने इंस्टॉल कर लिया है। वी हैव डिटेक्टेड कंपैटिबल विद फॉलोइंग एक्सटेंशन एंड डिपेंडेंट, कुछ एक्सटेंशंस की बात कही गई है, अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। हम अपने प्लगइन्स पे रहते हैं। कोर हमने इंस्टॉल कर लिया है इनफैक्ट, और डब्ल्यू ऑफिस कोर को एक्टिवेट कर लें। बडी प्रेस, क्योंकि कम्युनिटी बनने वाली है तो बडी प्रेस का उपयोग किया जाएगा इसमें। तो बडी प्रेस को हम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब बडी प्रेस एक्टिवेट करते ही इसके लैंडिंग पेज पे भी कई बार चला जाता है, तो अगर वो होगा तो देखा जाएगा। फाइल अवे इंस्टॉल कर ले रहे हैं। ये मैंने कहा था कि बडी प्रेस इंस्टॉल करने से वो वहाँ पे जाता है। तो बड़ी प्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है। रेवोल्यूशन स्लाइडर अप कर लेते हैं। फाइल अवे को एक्टिवेट कर लेते हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर एक्टिवेट कर लेते हैं। बेकरी पेज बिल्डर ये भी कर लेते हैं। सुपर बंडल है इनफैक्ट, ये कुछ एडिशनल चीज है। पेज बिल्डर अब है, पेज बिल्डर आप हमेशा वर्जन ये देख लें कि लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। अगर आप जिस थीम पैकेज का उपयोग कर रहे हैं जैसे 6.4.2 जो इंस्टॉल्ड वर्जन और अवेलेबल वर्जन मैच होना चाहिए या उससे आपका वर्जन अबव होना चाहिए। वॉइस चैट ये डब्ल्यू पी पेज बिल्डर के बाद भी ये वेलकम पेज पे चला जाता है। तो फिर हम ऑफिस वहाँ जाते हैं प्लगइन्स पे। वाइट चैट एक पेंडिंग रह गया था, उसको कर लेंगे हम एक्टिवेट। और इस तरह से हमने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए हैं जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स था। ये कुछ कंपेटेबल एक्सटेंशंस की ज़रूरत बताई जा रही है। यू डिटेक्टेड डेट जो हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये मैं कर ले रहा हूँ एक्सटेंशंस। और ये एक्सटेंशन एक्टिवेट भी कर दिए गए हैं।
तो बैकअप और डेमो कंटेंट जब यूनिशॉन का फ्रेमवर्क यूज होता है, तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप बैकअप कंटेंट बैकअप नहीं ले पाओगे, बैकअप या डेमो कंटेंट इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए होता है ये। तो अब हम अपनी वेबसाइट की स्थिति देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हमने थीम और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी का लॉगिन आ गया है, और चूँकि मैं एडमिन से लॉग्ड इन हूँ तो मुझे लॉग्ड इन दिखा रहा है डब्ल्यूपी थीम्स का। तो हम इसके डेमो कंटेंट पे देख लेते हैं। टूल्स के अंदर डेमो कंटेंट इंस्टॉल का ऑप्शन है, टूल्स के अंदर इस पर क्लिक करें, और ऑल इन वन डेमो है अपने पास, बिजनेस डेमो है, कम्युनिटी डेमो है, स्कूल डेमो है। तो हम ऑल इन वन जो हम एक बार देख चुके हैं उसको ही इंस्टॉल कर लेंगे। ये पोर्शन है, ये काफ़ी अच्छी थीम है और बिल्कुल टू द पॉइंट काम के लिए है। तो ऑल इन वन डेमो को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये डेमो है और इसमें इमेज भी रिसाइज कंप्रेस होती है, तो आप इस पेज को रिफ्रेश ना करें, छोड़े भी ना, सिर्फ इंतज़ार करें। और ये डेमो इंस्टॉल हो गया है तो वेबसाइट की तरफ अपने आप रिडायरेक्ट हो रहा है। और जी हाँ, हमने कर लिया है, अपने डेस्टिनेशन को पा लिया है, और ये रहा हमारा पूरा एक्टिव इंटरनेट और एक्सटरनेट का पोर्टल जिस पे सारे पोर्शन या सारे सेगमेंट्स एक्टिव हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सारे कंटेंट्स आ चुके हैं, तो आइए हम एक नज़र WP के डैशबोर्ड पे डाल देते हैं। एक डेटाबेस रिक्वायर्ड अपडेट आया है तो इसको कर लिया जाए। तो ये है अपना पैनल वर्डप्रेस का, जिसमें बहुत कुछ एडिशनल इसमें ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ एडिशनल चीज़ें आई भी नहीं हैं। एक तो फ्रेमवर्क है यूनिसन, ये तो इसका इस्तेमाल हमें करना नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में है, तो प्रोजेक्ट्स एक बार देख लेते हैं क्या है। एक्टिविटी ग्रुप्स वगैरह, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। और फाइल अवे, तो खैर वो टेक अवे वाली ये होती हैं जो डाउनलोड वगैरह के लिए बनाई जाती हैं, तो उसके लिए है। ये भी एक एडिशनल प्लगइन जो हमने इंस्टॉल करा था उसके लिए था। तो जो भी है इसका थीम सेटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार देखते हैं हम लोग। जो लेआउट वगैरह की सेटिंग करनी हुई तो यहाँ से होगा, थीम सेटिंग से। और ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, मेन ऑप्शंस, चैट, परमिशंस, लॉगिन रजिस्टर, होम डैशबोर्ड, बॉडी प्रेस, पोस्ट, विकी, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग, मेनू, हेडर बार, टाइटल बॉक्स, साइड बार, फूटर, स्टाइलिंग, कस्टम कोड, प्लगइन्स और सिस्टम स्टेटस। तो ये एक बेसिक सेटिंग के लिए WPS में दिया गया है। और हमने अपना जो हमारा आज का टारगेट था WPS इंटरनेट और एक्सटरनेट के लिए जो CRM वेबसाइट हमें बनानी थी वो हम बना चुके हैं। अब इसको आगे फर्दर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है।
डेमो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे थीम और उपयोगी प्लगइन्स लेकर आने वाला हूँ। देखते रहिए WP थीम्स चैनल। धन्यवाद।